वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे 10 से 15 सेकेंड तक कर देना है। इसके बाद राइट क्लिक करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गर्ल ग्रीन स्किन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है। ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, लास्ट पोजीशन में आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को हमें ट्रिम टू राइट कर देना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में आपको ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे आपको क्रोमा की एक ऑप्शन मिल जाता है, इसे इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है, ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है, इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। और आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और आपको एक वीडियो को प्ले कर देख लेना है जो ब्लैक कलर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 0.6 के आसपास आना है। लेयर पर आना है, टेक्स्ट पे आना है और आपको जिसका भी नाम यहाँ पे टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सोनू टाइप कर देता हूँ, इसको ओके करता हूँ। इसके बाद क्या करना है, डबल ए पे क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे फाउंट देखने को मिल जाएंगे, तो कोई सा भी फाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक फाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इसे आपको कुछ इस तरह से जूम करेंगे और जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है उसका आपको आसपास यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। इन इनेबलेशन में आना है, इसे हमें फेट दे देंगे। इसके बाद आपको कुछ इस तरह से अगेन आगे की तरफ लेकर आना है। आपको इसे रखना कहाँ तक है वो मैं आपको बता देता हूँ, 5.6 के आसपास इसे रहने देना है। इसके बाद टेक्स्ट वाले लेयर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। हम जब वीडियो आप प्ले करेंगे तो फाइनली हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इसके बाद इस वीडियो में ऑलरेडी साउंड ऐड है, तो साउंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। सेटिंग पर क्लिक करेंगे, ऑडियो फेड आउट ऑफ कर देना है। शेयर पर क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट